कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को देर रात तबियत बिगड़ने पर बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 19 मार्च को मुख्तार अंसारी की तबियत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया। मुख्तार ने बताया कि खाने में धीमा जहर दिए जाने से उनकी जान को खतरा है। आपको बता दें, इस बीच 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। तबियत खराब होने की वजह से वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें खाने में धीमा जहर दिए जाने से खुद की जान को उन्होंने खतरा बताया। मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया कि जिला प्रशासन और जेल प्रशासन मुख्तार की हालत की जानकारी नहीं दे रहे। बांदा रवाना होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो इस समय गोरखपुर में हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ऑफिस में इसीलिए फोन किया था, अगर बांदा मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है तो मुख्तार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल या किसी अन्य बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अगर सरकार इलाज का खर्च नहीं उठाएगी तो परिवार ही खर्च उठाएगा। आपको बता दें कि मुख्तार का मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने मुख्तार को पेट में यूरिनल इन्फेक्शन बताया है। 5 दिन पहले भी मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मुख्तार को पेट में दर्द हुआ और फिर टॉयलेट जाते वक्त वो गिर गए। इलाज के लिए मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। मुख्तार ने बताया कि उनके हाथ पैरों की नसों में बेहद दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा। मुख्तार ने 40 दिन पहले भी खाने में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उनकी ओर से बताया गया कि उन्हें दिए जाने वाले खाने को चखने वाले जेल स्टाफ की भी तबीयत खराब थी। उनके इस गंभीर आरोप के बाद फिर से मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान को खतरा बताया। इसके बाद शासन ने कार्रवाई करते हुए जेलर और 2 डिप्टी जेलरों को सस्पेंड किया। वहीं बांदा जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के इन गंभीर आरोपों को खारिज किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।